वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैंबो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल बढ़ने या घटने के क्या कारण होते हैं और उसको कैसे कम करें या कैसे बढ़ाएं उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि हम बात करें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो नॉर्मल रेंज क्या होती है, क्योंकि आपको ये पहले जानना होगा, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है पुरुषों में वो 300 से लेकर 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है और महिलाओं में जो इसका लेवल होता है 15 से 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसका लेवल यदि घटा है बढ़ा है तो उसी के हिसाब से आपकी डाइट डिपेंड करती है कि आपको क्या खाना है। तो यदि हम बात करें क्या खाने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटता है, तो सबसे पहले जो आता है पुदीना। यदि आपको लेवल घटाना है तो पुदीना, मुलेठी की जड़, वेजिटेबल ऑयल्स, अलसी का तेल या बीज, उसके अलावा सोया के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये नॉर्मल मिल्क जो दूध होता है, उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, कॉफी और शराब, ये सारी चीजें जो है आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम करने में मदद करेंगी। यदि हम बात करें कौन सी चीजों से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, मतलब यदि आपका लेवल कम है तो आप कैसे उसको बढ़ाएंगे, तो उसके लिए आप अदरक ले सकते हैं, अनार, ऑयस्टर्स या कस्तूरी, प्याज और लहसुन, उसके अलावा जो मछली होती है टूना मछली या फिर जैतून का तेल, प्रोटीन्स डाइट ले सकते हैं जैसे कि चिकन, मछली और अंडा, उसके अलावा जो तली हो खाना या फैट्स वगैरह, ये जो होंगे आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में मदद करेंगे। कारण क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो हमने कारण ऑलरेडी डिस्कस किया कि खाना होता है, डाइट होती है, उसके अलावा कुछ अन्य कारण भी होते हैं जैसे कि स्ट्रेस, मेडिसिन, डायबिटीज की बीमारी है किसी को, या दिमाग में किसी तरीके का ट्यूमर है, या दिमाग में चोट लग गई है, या कैंसर है, तो ये चीजें जो होती हैं हार्मोन के लेवल को डिस्टर्ब कर देती हैं, इसकी वजह से लेवल बढ़ सकता है या घट सकता है। यदि हम बात करें महिलाओं में हाई टेस्टोस्टेरोन के क्या लक्षण होते हैं, तो ज्यादातर महिलाएं जैसे जानती हैं, चेहरे पर मुहासे होना, आवाज का भारी होना, चेहरे पर बाल होना, या जो जो बाल होते हैं सर के उसका ना होना या गंजापन बालों में, उसके अलावा पीरियड्स जो होता है अबनॉर्मल होना, क्लाइटोरिस जो होती है वजाइना के पास में उसका जो लेवल जो होता है बढ़ जाता है, साथ साथ में महिलाओं में सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, उसके अलावा जो प्रजनन संबंधी समस्याएं होती है, मतलब गर्भधारण में समस्या हो सकती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि महिलाओं में बांझपन भी हो सकता है। यदि हम बात करें पुरुषों में हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल के क्या कारण होंगे, क्या लक्षण होंगे, तो इसमें लक्षण जो होते हैं इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म काउंट होता है वो कम हो जाता है, साथ साथ में टेस्टीज जो होती हैं अंडकोश सिकुड़ती हैं, और पुरुषों में नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी इसकी वजह से हो सकता है, साथ में चेहरे पर मुहासे, वजन का बढ़ना, और व्यक्ति जो होता है आक्रामक हो सकता है, साथ में व्यक्ति में चिड़चिड़ापन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि हम बात करें पुरुषों में लो टेस्टोस्टेरोन मतलब कम टेस्टोस्टेरोन के क्या जो होते हैं लक्षण होते हैं, तो इसकी वजह से उसमें क्या होगा, सेक्स ड्राइव में कमी होगी, साथ साथ में यौन संतुष्टि भी नहीं होगी, और उसके अलावा जो पुरुषों में क्या होता है कि उनमें भी प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि आगे उनको क्या होता है कि उनको संतान प्राप्ति में मुश्किल आ सकती है। यदि हम बात करें आप कैसे पता करेंगे कि इसका लेवल कम है ज्यादा है, तो उसके लिए आप ब्लड टेस्ट, खून की जांच करवा सकते हैं, और इस टेस्ट का नाम होता है सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है लगभग 350 से 450 रुपए के बीच में हो सकता है, और आप अपने नजदीकी किसी लैब से भी करवा सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो मेंटेन करने के लिए साथ साथ में आपको जरूरी होता है कि आप जो भरपूर आराम करें, साथ साथ में अच्छी नींद लें, और अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, चिंता से दूर रखें, और उसके अलावा एक्सरसाइज करें। तो ये सारी चीजें भी आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल के जो लेवल है उसको नॉर्मल करने में मदद करती है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैंबो।